एक टोकरी रखा जाता है इसे, मांस की टोकरी, और इसमें कई सारे बॉर्डर बना दिए जाते हैं, दीवार ऐसे टाइप का। इसमें सहतूत के पत्तियों को बिछा दिया जाता है, अपना ये पत्तिया को खाते रहेगा और जगह जगह थूकते रहेगा, और उसके बाद जब भर के चाहिन कीले रहेगा थूक थूक के ना। रेशम का कीट का जो लार होता है ना, थूकता है ना, तो उसमें क्या निकलता है? रेशम। उसी रेशम से फिर हम लोग क्या बनाते हैं? धागा बनाते हैं। रेशम का कीट सहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। रेशम का कीट किस में पाया जाता है? सहतूत, सहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। रेशम की कैटेगरी हमारे यहाँ हर तरह की कैटेगरी पाई जाती है। पहले रेशम का एक अधिकार चीन पर था, इसलिए चीन का रेशम मार्ग एक बहुत प्रसिद्ध था, जिसे सिल्क रूट कहा जाता था। चीन इस सिल्क रूट के माध्यम से पूरी दुनिया में रेशम का व्यापार करता था। भारतीय राजा कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। तो बाद में भारत में भी रेशम का प्रारंभ हुआ, और भारत में चार कैटेगरी का क्या पाया जाता है? रेशम। रेशम की प्राप्ति किससे होती है? रेशम के कीट से। उसके किससे होता है? लार्वा। रेशम का कीट किस पेड़ पर? सहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। आगे बढ़े, भारत में हर तरह का रेशम होता है या नहीं होता? रेशम के प्रमुख पांच वाणिज्यिक किस्मों में भारत में मालबरी, मूंगा, ईरी, ट्रॉपिकल तथा ओक करने वाला भारत एकमात्र देश है। ध्यानतब है कि मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत का एक अधिकार है। मूंगा एक प्रकार का रेशम है जिसका सिल्क बहुत ही मुलायम होता है, वो केवल भारत उत्पादन करता है। तो दुनिया में अलग अलग कैटेगरी के रेशम होते हैं सब। उन पांच कैटेगरी के रेशम, पांचों का पांचों रेशम केवल एक भारत ही है जहां पांचों कैटेगरी का पाया जाता है। ट्रॉपिकल रेशम भारत में, ओंक रेशम भारत में, ईरी भारत में, मूंगा भारत में, मालबरी भारत में, मालबरी, मूंगा, ईरी, ट्रॉपिकल, तसर, ओंक भारत। वह रेशम जिस जो केवल और केवल भारत में होता है, मूंगा। सभी वैरायटी वाला देश भारत। रेशम की प्राप्ति कीट के किसे? रूस, लार से। वह प्रोटीन का बना होता है। रेशम किसका बना होता है? प्रोटीन। रेशम किसका बना होगा? किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन का बना होता है वो। अब पेड़ पे कौन पालने जाएगा रेशम के कीटों को? अब तो कोई रेशम के कीट को पेड़ पे पालेगा, भाग जाएगा दूसरे पेड़ पे। तो क्या किया जाता है ना, रेशम को पालने के लिए एक टोकरी रखा जाता है, इसे मांस की टोकरी, और इसमें कई सारे बॉर्डर बना दिए जाते हैं, दीवार ऐसे टाइप का, छोटे लकड़ी का टोकरी समझते हैं, ऐसे ही बना देते हैं, दौरी बांस के भट्ठा का बना देते हैं लोग फाड़ पर। इसकी ऊंचाई एक थाली के बराबर, देखिए सांप रखने वाला कटोरिया देखे, 1 BHK। सांप 1 BHK एक एक रूम में रहता है, कटोरा सेम वैसे ही होता है, बड़े साइज का होता है, इतना बड़ा पिटारा, बड़े साइज। सांपवा का तो 1 BHK रहता है ना, उसी में अपना उसमें कई लेयर बने रहते हैं, लेकिन सांप वाला ही डिजाइन एकदम से एकदम बड़ा सा रहेगा, और उसमें ऐसे खूब ज्यादा रहेगा। इसमें सहतूत के पत्तियों को बिछा दिया जाता है, सहतूत की पत्तियों को बिछा दिया जाता है, मालबरी सहतूत के पत्तियों को, और इसमें रेशम के कीट को छोड़ दिया जाता है। रेशम का कीट मिलते हैं सब्जी, 2-4 को लाइए, फिर जनसंख्या बढ़ा जाता है उनसों का। इसमें क्या भर दिया जाता है? रेशम के कीट, रेशम के कीट को रख दिया जाता है। अब ये रेशम के कीट क्या करते रहते हैं सर? अपना ये पत्तिया को खाते रहेगा और जगह जगह थूकते रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इसमें थूकते रहेगा। अब देखिए पेड़ पे पालने से कोई फायदा है? इसका पिटारा खोलिए और फिर सहतूत लाइए और इस पे डाल दीजिए। उसका जितना टेम्परेचर चाहिए, रूम टेम्परेचर, उतना मेंटेन कर दीजिए, पंखा उनका चला के वहां। वो खाएगा पत्ती और थूकेगा, और उसके बाद जब भर के चाहिन कीले रहेगा थूक थूक के ना, तो सूख जाएगा, और सूखेगा तो रुई बराबर होगा। जैसे कैसे रुई होता है, नहीं आदमी कहता कहीं घाव हो गया तो किसी से कहता तो कट गया तो इनसे रुई दो तो इनसे नोच के इतना दे देता है, वैसे ही जगह जगह थूकले रहेगा। तो इसको उलट दिया जाता है, और झाड़ देंगे ना तो रुई हल्का होता है तो सटले रहेगा, कीड़वा नीचे गिर जाएगा। उसको दूसरे पिटारा में शिफ्ट कर दीजिए, आ इसमें से उसका थूक हल्का नोच लीजिए, सूख चुका रहेगा, एकदम रुई की तरह हो जाएगा। अब उसको ले जाकर गर्म पानी में खोलाया जाता है ताकि सट जाए, और उसके बाद से उसे धागा की तरह खींचा जाता है, और पतला पतला धागा बना लिया जाता है, उसी से सील उल के कपड़ा तैयार कर लिया जाता है रेशम का। समझ में आ गए?
हाँ, रेशम का समझ में आ गया। तो रेशम के कीड़े किस पेड़ पर पाए जाते हैं? किस पेड़ पर? किस पेड़ पर? सौतूत। अब कोई पेड़ पे पालने जाता है, ऐसा ऐसा पिटारा लगा दीजिए और एक के ऊपर एक पिटारवा क्या कर दीजिए, रख दीजिए वहां पे घरे में अपना, क्या कर लीजिए, रेशम बना लीजिए, थूकते रहेगा आप निकाल निकाल तैयार करते रहिएगा। हाँ हाँ, सब थूकल के पहनता है। शहद जोन खाते हैं तोन। आगे बढ़े। शहद उसका खाना है, शहद जो है ना उसी का खाना है, तो उसको कभी कभी जूठा भी करते रहते हैं सब समय, तो जूठा मन किया तो खा लेते हैं सब। मधुमक्खियों को लगता है ना कि उन वो शहद फ्रुक्टोज खा सकती हैं। मधुमक्खियाँ कंप्लीटली शाकाहारी होती हैं, इसलिए उन्हें पता है कि पतझड़ के मौसम में फूल नहीं खिलेगा, तो हम खाएंगे कौन चीज, तो शहद बना लेती है। लेकिन वो बौकी ज़्यादा ही शहद बना देती है। ज़्यादा शहद बना देती है। आदमी उस शहद को क्या करता है, काट ले आता है। शहद उतारने वालों को आइडिया होता है, पूरे छत्ते में तीन पार्ट होता है। एक पार्ट में वो रहने के लिए चैम्बर बनाती है, एक पार्ट में उनका अंडा होता है, और कंप्लीट एक पार्ट में उनका शहद होता है। आम इंसान को कुछ लगता नहीं, ईंटा चला देते हैं, शहद पे लगता है ना तो नहीं घुस जाते हैं सब अपन, उनसे मधुमक्खियों को लगेगा तो नहीं घुसा, अंडवा पे मार देंगे ना उनसे पूरा 10-15 टू सबके बच्चा मर जाएंगे सब, रानी मक्खी घुसी आएगी। कटप्पा हमला करो, दौड़ा देते हैं। समझ में? तो शहद वाला साइड में रखा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हो गया आपका मालबरी। तो भारत में हर प्रकार के रेशम होते हैं कि नहीं? रेशम के मामले में सबसे आगे कर्नाटक है, रेशम उद्योग में कर्नाटक।